गैस, अपने पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि गिट रिपोजिटरी को कैसे इनिशियलाइज़ करते हैं और किस तरह जो है हम लोग स्टेजिंग करके कमिटिंग कर सकते हैं। गैस, आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले कुछ कन्फ्यूजन को क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगा कि मैंने बोला था गिटहब एकदम फ्री नहीं है, तो लोग बोल रहे थे कैसे सोर्स कोड डालते हैं लोग। गैस, गिटहब एकदम फ्री है पब्लिक रिपोजिटरीज़ के लिए, लेकिन प्राइवेट रिपोजिटरीज़ के लिए गिटहब जो है पैसे चार्ज करती है। तो ये बात आप लोग समझ लीजिए। अगर आप लोग अपना प्राइवेट कोड लेना चाहते हैं, उसको रखना चाहते हैं, उसके बाद कोलैबोरेटर्स काम करना चाहते हैं उस कोड पर, तब वो जो है पेड होगा। वैसे अगर आप लोग ओपन सोर्स कोड डालना चाहते हैं तो वो फ्री है। मैंने ये बात बोली थी कि अगर गिटहब ऐसा कर रहा है और उसके बाद भी जो है पुश पुल इतना स्मूथली हो रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, आप लोग को जो है ओपन सोर्स कोड डालना इतना आसानी से प्रदान कर रहा है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, तो ये अच्छा ही है। फ्री में आपको कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, ये बात है पहली। दूसरी बात यह है कि मैं आपको कन्फिग्रेशन जो मैंने आप लोग को बताया था पिछले वीडियो में, मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर गिट बैश खोल लूँगा। तो मैंने आप लोग को बताया था कैसे हम लोग यूज़र नेम जो है वो डाल सकते हैं और किस तरह हम लोग ईमेल डाल सकते हैं। तो लोगों ने बोला था यार ये माइनस माइनस ग्लोबल क्या है सर, समझ में नहीं आया। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आया उन लोगों के लिए मैं बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल और उसके बाद मैं यूज़र डॉट नेम लिखता हूँ, तो जो है यहाँ पर जंगल मंगल आ गया, यानी कि ये नेम मैंने डाला है। लेकिन अगर इसी माइनस माइनस ग्लोबल को मैं नहीं लगाता हूँ तब क्या होगा? पहले मैंने जब माइनस माइनस ग्लोबल लगाया था उसका मतलब ये था कि इस यूज़र के लिए, यानी कि यूज़र एज इन मेरा ये कंप्यूटर जिससे लॉग्ड इन है, विंडोज़ का यूज़र, कहीं पे भी गिट रिपोजिटरी बनाएगा तो ये यूज़र नेम आएगा और यूज़र ईमेल आएगा जो मैंने दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर माइनस माइनस ग्लोबल नहीं लगाता हूँ तो ये मेरा जो है इस यूज़र जो मेरा विंडो का यूज़र है वो कभी भी लॉग्ड इन होगा इस सिस्टम में, किसी भी फोल्डर से वो गिट यूज़ करेगा तो वो क्या कर सकता है, यूज़र नेम और ईमेल वही वाला उसका रहेगा, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये कि अब मैं आप लोग को एक आर्किटेक्चर के बारे में बताऊंगा, थ्री लेयर आर्किटेक्चर जो है गिट का। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आप लोग को थोड़ा पावर पॉइंट पर लेकर जाऊंगा। गैस, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो मैं आप लोग को हाईली रिकमेंड करूंगा सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले वीडियोज़ आप लोग को मिलेंगे। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, फ्लो में भूल जाते हैं। गैस, इस चैनल पर मैं आप लोगों को वो सब चीज़ें बताता हूँ जो आप लोगों को शायद पैसे दे के भी कहीं ना सीखने को मिले, और यही सारी चीज़ें इसी तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे पैसे दे के सिखाई जाती हैं। और आप लोग को, आप में से कई लोगों को पता भी है, मुझे बहुत सारे ईमेल्स आते हैं कि कितना फ़ायदा होता है। तो गैस, एंटरटेनमेंट वगैरह की चीज़ों को तो आप लोग बहुत वॉच करके सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन गाइस शायद आज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आप लोग को जो है अपनी YouTube फीड में कुछ प्रोग्रामिंग सीखने को मिल जाए। बात करते हैं गिट की। गाइस, यहां पर जो सबसे बड़ा सवाल अभी लोगों के दिमाग में है वो ये है कि यार गिट को क्यों यूज किया जा रहा है, फायदा क्या है इसको? वर्जन कंट्रोलिंग में करूंगा, समझ में आता है, लेकिन क्या फायदा है? मैं आप लोगों को बताता हूं कब हम करेंगे ऐसा। गाइस, होगा क्या, मान लीजिए आप लोगों की एक रिपोजिटरी बनी हुई है गिटहब पर। तो ये आ गया मेरा गिटहब, प्लीज पार्डन माई हैंड राइटिंग, मेरा पेन भी अच्छे से नहीं चल रहा है, नाचना जाने आगन टेढ़ा। एनीवेज, गिटहब। अब क्या होगा कि मेरे पास कुछ यूजर्स हैं, एक यहाँ पर हैरी है, एक यहाँ पर रोहन है और एक यहाँ पर स्किल एफ है, हमारा बहुत ही प्यारा सा सब्सक्राइबर है। तो एक यहाँ पर स्किल एफ है। अब क्या किया कि हम लोग एक वेबसाइट लिख रहे हैं, फ्लास्क ऐप लिख रहे हैं, हम लोग जो है वेबसाइट बना रहे हैं। हमने क्या किया, हैरी ने कुछ चेंजेस किए। सबसे पहले हैरी ने पुल किए चेंजेस। तो पुल मैंने टर्म पहली बार यूज़ किया है अपने ट्यूटोरियल्स में, लेकिन पुल का मतलब सिंपली है जो गिटहब रिपोजिटरी में अगर वो ब्लैंक है तो कुछ पुल नहीं होगा। उसने पुल किए सारे चेंजेस, तो जो एक फोल्डर था वो उसके पास आ गया, उस फोल्डर में उसने चेंजेस किए और फिर उसके बाद उसने पुश कर दिए। उसके बाद वो रात को 9 बजे सो गया, वो अच्छा बच्चा रात को 9 बजे सो जाता है। इसके बाद क्या हुआ कि 9:30 पर ये उठा रोहन, इसने पुल करके सबसे पहले देखा कि यार देखो हैरी ने कितना काम किया है। इसके बाद इसने गिट लॉग डालकर देखा, ये देखेगा गिट लॉग डालकर, उसके बाद ये क्या करेगा, गिट लॉग डाल के देखेगा हैरी ने ये चेंजेस किए, ओके। लेकिन ये बोलेगा कि हैरी ने यार ये तो गलत किया यार, इसको तो ऐसे करना चाहिए, कमिट करके अपना वर्जन एक बनाएगा और उसके बाद वापस से पुश कर देगा। अभी जो स्किल एफ है ना, ये रात को उठता है, ये सो जाता है 12 बजे। तो ये 12 बजे जो है रोहन सो गया, अब ये उठता है 12:30 बजे। ये 12:30 बजे उठा, इसने पुल किए चेंजेस सारे गिटहब रिपोजिटरी से, इसके बाद इसने अपने चेंजेस मारे और पुश करके ये भी सो गया। अब कल मैं फिर सुबह उठा, मैंने देखा कि यार क्या क्या चेंजेस किए। इस तरह हम लोग काम कर सकते हैं एक ही रिपोजिटरी में, पुश पुल हम यहाँ पर कर रहे हैं। और अगर गिट नहीं होता तो हम लोग क्या करते, सबसे पहली बात हम अपने पुराने वर्जन पर आ ही नहीं पाते। हम लोग सोचते रह जाते कि यार रोहन यार जो पहले मैंने बनाया था वो सही चल रहा था, अब जो है तूने जो कर दिया वो सही नहीं चल रहा है। रोहन बोलेगा यार मैंने तो नहीं किया,
तुमने ही किया, मैंने तो सही बनाया था। इसके अलावा बोलेगा मेरा नाम तो तुम लोग ले भी मत लेना अगर तुम लोगों ने बोली ये बात कि पहला वर्जन मैंने ख़राब किया, मैंने नहीं किया है। यहाँ पर गिट लॉग में सब कुछ पता चल जाएगा। गिट लॉग एक SHA जनरेट करता है, चेकसम एल्गोरिदम होता है, मैं आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगा। वो क्या करता है कि आप लोग के कमिट को सेव कर लेता है, एक 40 डिजिट का हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग, मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, वो जनरेट करता है हर कमिट के करस्पॉन्डिंग। और आप लोग देख सकते हैं किस इंसान ने क्या कमिट किए हैं, क्या चेंजेस किए हैं और कब किए हैं और कौन से वर्जन में किए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोग उस वर्जन में वापस भी आ सकते हो कि यार अगर रोहन तुमने जो 3 कमिट मारे थे वो तुम हटा देते तो सॉफ्टवेयर अच्छा सा चलने लगता, तो हम हटा सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि गिट से हम लोग अपने पुराने वर्जन में भी जा सकते हैं। जब भी हम कमिट करते हैं तब हम लोग एक स्नैपशॉट ले लेते हैं, हम लोग उस कोड का स्नैपशॉट ले लेते हैं कि यार ये स्नैपशॉट है, ये अभी की स्थिति है और इस स्थिति में हम वापस भी आ सकते हैं, कल परसों नरसों तरसों कभी भी वापस आ सकते हैं, लेकिन हमने अभी के लिए कोड अपडेट कर दिया है। तो ऐसे में कमिट मैसेज कैसे लिखे जाएं, तो वो मैं आप लोग को बताता हूँ, हाउ टू राइट कमिट मैसेजेस। तो कमिट मैसेजेस लिखने के लिए आप लोग को सबसे पहले ये बात का ध्यान रखना है कि कमिट मैसेज जो है वो एक इंसान ही पढ़ेगा, वो कोई मशीन तो पढ़ेगी नहीं। तो आप लोग ऐसे लिखिए कि कोई दूसरा डेवलपर दोस्त आपका, आप अगर हिंदी में भी लिख रहे हो यार तो कोई टेंशन नहीं, अगर आप लोग लिख दो मैंने बग फिक्स कर दिया, बग फिक्स कर दिया भाई। और अगर आपके साथ जो 2 डेवलपर काम कर रहे हैं उनको समझ में आ जाता है, वो खुश, तो बहुत अच्छी बात है अगर 3 लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ऊपर से उस कम्युनिटी में सब लोग इंग्लिश में लिखते हैं और पूरी ऑल ओवर इंडिया नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो आपको प्रॉपर इंग्लिश में लिखना चाहिए। आप लोग इस तरह लिखेंगे फिक्स्ड, ये नहीं लिखेंगे आप लोग लिखेंगे फिक्सेज, कि ये जो कमिट है ये बग को फिक्स करता है, फिक्सेज लॉग इन बग, और कैसे करता है ये भी आप लोग लिखिए। ये फिक्सेज लॉग इन बग कुछ नहीं होता है, आप लोग उसको एक्सप्लेन कीजिए, आप कोड लेवल पर एक्सप्लेन कीजिए आपने क्या किया है। चेंज्ड मेथड टू पोस्ट, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, चेंज्ड मेथड टू पोस्ट एंड फिक्सेस, चेंजेस मेथड टू पोस्ट एंड फिक्सेस लॉग इन बग, यानी कि ये कमिट क्या करता है, चेंज करता है आपके मेथड को पोस्ट में और उसके बाद ये लॉग इन का जो बग है उसको फिक्स करता है। तो ऐसे आप लोग अच्छे कमिट मैसेजेस लिख सकते हैं। अब आते हैं गिट के 3 लेयर आर्किटेक्चर में। तो गिट का 3 लेयर आर्किटेक्चर क्या है, यहाँ पर लोगों को सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि यार जब भी हम लोग, ये हमारी वर्किंग कॉपी है, ये हमारा स्टेजिंग एरिया है, स्टेजिंग एरिया एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, मैंने आप लोग को बताया उसके बाद भी लोगों को कन्फ्यूजन है। और उसके बाद मेरा ये क्या होता है, ये मेरा फाइनली जो मेरा कमिट है, मेरे सारे कमिट्स हैं जो वो हैं यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, अपनी वर्किंग कॉपी में कोई फाइल चेंज करूँगा, मान लीजिए उसको फाइल 1, मैंने फाइल का वर्जन 1 किया, उसके बाद मैं स्टेजिंग एरिया में उसको रख दूंगा, मैंने यहाँ पर फाइल 1 कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अगर मैं चाहता हूँ कि ये वर्जन मैं स्टोर करूँ तो मैं इसको डायरेक्टली कमिट कर दूंगा। लेकिन मान लीजिए आप 10 फाइल्स के साथ काम कर रहे हैं और आप 5 फाइल्स को ही सिर्फ कमिट करना चाहते हैं, तो आप लोग सबसे पहले उनको स्टेज करेंगे, उसके बाद आप लोग उसको कमिट कर देंगे बिना अपनी बाकी की 5 फाइल्स को छुए। तो अगर जो बाकी की 5 फाइल्स होंगी वो पुराने कमिट में रहेंगी, यानी कि आप लोगों ने उनको स्टेज नहीं किया चेंजेस के लिए, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ ये वाली फाइल्स कमिट कर दी हैं। तो ये होता है हमारे स्टेजिंग एरिया का फ़ायदा। तो आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें करके दिखाऊंगा, तो कोई आप लोग को जो है टेंशन होगी नहीं। लेकिन मैं आप लोग को ये 3 लेयर आर्किटेक्चर के बारे में बताता हूँ कि वर्किंग कॉपी से डायरेक्टली कमिट क्यों नहीं करते, क्योंकि डायरेक्टली कमिट कर देंगे तो मैं यहाँ पर अपनी कुछ वो फाइल्स नहीं रख पाऊंगा जिन पर मैं बाद में काम करना चाहता हूँ। मुझे अपने फोल्डर में सारी की सारी फाइल्स उसी रूप में रखनी पड़ेंगी जिस रूप में मैं कमिट करना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या है कि अगर मैं सिर्फ एक फाइल चेंज करके कमिट करना चाहता हूँ तो मैं उसको स्टेजिंग एरिया में डालूंगा फिर कमिट कर दूंगा, तो ये यहाँ पर हमारे पास फ़ायदा होता है। तो गाइज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं आप लोग को आने वाले वीडियोस में ये सब चीज़ें करके बताऊंगा और हम लोग देखेंगे कि किस तरह हम लोग गिट से काम कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यार अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग को वीडियोज़ आएंगे आपके यूट्यूब होम पेज पर, और घंटे को ज़रूर से दबा दीजिए, क्योंकि आजकल जो यूट्यूब है ना वो घंटा ही है पूरा, तो आप लोग घंटे को ज़रूर से दबा दीजिए। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज, फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल, फॉर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, फॉर लाइकिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।